महक। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जहाँ से तो लड़े जाए, हिम्मत मत करना। एक पे हाथ भी उठाने की। इस चोरी का तरफ अपना पाप पर आ जाएगा तू। आज तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर आपको FIR करानी है तो आप FIR करा सकते हैं। मैं कोई FIR नहीं करना चाहती। नहीं थी, एक मिनट। या तो आज FIR होगी या फिर इनको मेरी शर्त माननी होगी। मैं तो इमॉर्टल होने के लिए पैदा हुई। बस अकली जाल में चोर महक को चेकमेट कर दूंगी। मुझसे शादी करने के लिए मेरी इयररिंग एक्सेप्ट करोगे? क्या मेरी मंगेतर बनोगे? हाँ, करूंगी तुझसे शादी। महक! तो आ गया। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी और मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे महक। देखा शौर्य, मैंने तुझे बोला था कुछ ना कुछ तो ऑफ है। मुझे मेरी शादी के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये आपने ठीक नहीं किया। कहीं इस बेवकूफ लड़के के चक्कर में मेरा प्लान फेल ना हो जाए। सॉरी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। देख, तो मुझे गलत बिल्कुल मत समझना, मैं खुद तुझसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। श्वेतलाना आंटी का यूं हमें शादी के लिए इतना पुश करना, ये इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। सॉरी, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए? तेरी जान ना बहुत खतरा सा है, तेरी कुंडली में संकट सा है। पंडित जी ने तो फोटो देखते ही बता दिया था, छोरी काली नागन भड़के तेरे अच्छा तारा न डच लेगी बेटा। इस छोरी तो तेरा पिछले जन्म का रहता से बेटा। तुमने अपनी मॉम को बिल्कुल नहीं जान। कल गेस्ट आएंगे शादी के लिए, लेकिन बनाएंगे श्राद्ध। ये क्या किया तूने? सारी मेहंदी खराब कर दी। चोरे का नाम भी मिट गया पूरा। महक के हाथ से शौर्य के नाम का मिटना कहीं कोई बड़ा अपशगुन तो नहीं? महक आ गई, आप तैयार है ना? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। शौर्य, महक, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। शौर्य, एक्चुअली बहुत देर हो चुकी है। शी इज डेड। आई एम सॉरी। मैं प्लीज मेरी बात सुन। मेरी बहन मरी है, मेरा कोई नहीं गया। जिस किसी ने भी मेरी दीदी को मुझसे चीना है ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जो करना था वो नहीं हुआ, लेकिन उससे बेहतर हो गया। शौर्य और महक के बीच नफरत का बीज पैदा हो गया, लेकिन अब मैं आसानी से शौर्य और महक को तोड़ दूंगी। किसी को नहीं बोलना कि मैं यहाँ आई थी तुमसे मिलने। जी, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, प्रॉमिस। अगर बहुत जल्दी एक फैमिली बने। ट्रस्ट मी, ये मुमकिन नहीं। क्या शौर्य सच में? इनकी हालत बहुत खराब है, इनको आराम करने दीजिए। इनको स्ट्रेस मत दीजिए, इनके बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है। आप लोग आओ मेरे साथ प्लीज। जी डॉक्टर। बहुत ही नाजुक है उनकी कंडीशन, सदमा लगा है। उनको जरा सी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये दवाइयां ले आइए और हर पल उनके साथ रहिए। उनको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए, ऐसे वक्त में दिमाग दुश्मन होता है। इनका मन अपनी बेटे की मौत की तरफ ना जा पाए, ये आपने ध्यान रखना है। आरुष, आरुष, I'm really sorry. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आरुष, आरुष, you love her ना? मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। प्लीज 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 ऐसा मत करो ना। मैं नहीं रह सकती भाई, भाई। रिलैक्स कीजिए, दीदी प्लीज, मैं हूँ ना, रिलैक्स। चलो अच्छा है,
आरुष भी खुश और मैं भी। अब दुश्मन आराम से बर्बाद होगा। तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे हो सकती है, महक से हो सकती है, इसकी इसकी क्या गलती है यार? प्लीज प्लीज यू हैव टू एक्सेप्ट, नहीं तो ये तो क्या कर लोगे? हां तेरी हालत बुरी कर दूंगा। जा ठीक है, कर ले जो तुझे करना है। तेरी बहन से शादी तुम्हें नहीं करूंगा, और वैसे भी इसे कोई और लड़का एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतने क्लोज जो आ चुके हैं, है ना बेबी? बट नाउ आई एम डन विद हर। अरश काम हुआ ना मॉम? अमेजिंग जॉब माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अब क्या? अब इंतजार। देखो ये गेम है, अब इंतजार है दुश्मन की चाल का और फिर उसे बर्बाद करने का। तेरे साथ होगा, तेरी सच्चाई अच्छे से जानती हूँ मैं। तो क्या इरादा है, कैसे उपयोग करोगे तुम? वो महक पे डिपेंड करता है। शौर्य, क्या तूने मुझसे कभी भी झूठ बोला है? अगर उसने शौर्य को कन्फ्रंट भी किया तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदल दूँ। मैडम शौर्य निकल चुका है अपने मासूम के घर से। तुम्हारी सच्चाई की वजह से मैं बाहर निकलूंगा, तुम्हारी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। थैंक यू। तुम्हारी जैसी दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम्हारे नजर में कोई है जो प्रज्ञा को मारना चाहता? प्रज्ञा पे अटैक हुआ था, वो झूमर गिरा नहीं था, अभी से गिराया गया था ठीक प्रज्ञा के ऊपर, क्योंकि मुझे और पुलिस को शक है कि प्रज्ञा पर जिसने अटैक किया वो उस रात तुम्हारी पार्टी में मौजूद था। शक सही हुआ तो वेदिका दी को पता चल गया कि वेद उनका और वो वेद को ले गई हो, और वेद कभी वापस नहीं आएगा। सही कुछ करो प्लीज, ढूंढो मेरे बच्चे को। हेलो अरे कितना गिरेगा बोलना, अरे तू चला क्यों नहीं जाता वापस? अच्छे से इंसान को ना जेल में डाल देना चाहिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने हमारे घर की बेटी के साथ बदतमीजी किया। मैंने हाथ जोड़े आपके, मेरी सिल्की से ब्याह कर लो। देखिएगा ये पैगाम कैसे शहर भर में फैलता है। निलोफर की मौत जारा की लापरवाही की वजह से। आपने जो कुछ भी किया है ना तो उसे कानून माफ करेगा और नहीं अल्लाह। किसी ने अगर एक बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया तो मानो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जिसे आपने निशाना रख कर ये बात कही है वो बात गलत है। कहीं सुनी बातें सुनकर एक बेगुनाह इंसान को कसूरवार ठहरा दे तो हमें लगता है कि वो आपके खुलूस के खिलाफ है। किबला इश्क सुभान अल्लाह में कल रात 8 बजे देखिए।